हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। रॉबर्ट एक सिंह जो में पाकिस्तान के सिलसिले में तहसील कौंसिल में परचम कुशाई की एक पुरवकार और सादा तकरीब का इनाकात किया गया। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं ग्रेट न्यूज़ के नुमाइंदा अताउल्ला वैनस से। जी अताउल्ला, तफसीलात से आगाह करें। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर दीगर जिला की तरह टोबाटे से भी योम करारदाद पाकिस्तान मिली जोश और जज्बे से मनाया गया। जिला की चारों तहसीलों में कोरोना वायरस के बाद सादा और पुरवकार तकरीबा मुनकद हुई। मरकजी तकरीब तहसील कौंसिल टोबाटे से मुनकद हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर उमर जवेद, मरकजी नायब सदर पीटीए चौधरी मोहम्मद शफाक, एमपी सईद अहमद सईदी और डीपीओ राणा उमर फारूक के हमरा परचम कुशाई की गई। कोरोना वायरस के पेश नज़र योम पाकिस्तान की तकरीब को महदूद रखा गया। डीसी समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। शुरका का कौमी लिबास शलवार कमीज वास्कोट में मलबूस थे। तकरीब में सैरन बजाया गया और एक मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि 23 मार्च तजदीद उहद का दिन है। यौम पाकिस्तान के मौके पर मुल्क की तमीर और तरक्की के उहद करते हैं। मरकजी नायब सदर पीटीआई चौधरी मशवाक ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान मुल्क को कैद आजम का पाकिस्तान बनाने के लिए कोशिश है। एमपीए सईद अहमद सईदी ने कहा कि यौम पाकिस्तान पर हमें मुल्क के लिए कुर्बानी देने वालों को याद रखना चाहिए। डीपीओ राणा उमर फारूक ने कहा कि आज के दिन इस बात का अहद करना चाहिए कि मुल्क की तरक्की के लिए अपनी सलाहियतें बरकरार लाएंगे। बाजार डिप्टी कमिश्नर और दीगर शुरुआत ने पौधे भी लगाए। परचम कुशाई की तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर रिजवानुल हक नूरपुरी, डीएसपी सदर सगल टोबा मकबूल सरदार समेत दीगर महकमों के जिले सरबरान, पीटीआई टोबा के मरकजी अहदेदारान और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया नुमाइंदगान भी शिरकत की। जी अताउल्ला, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता।